महानगर में बुधवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान शहर के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। वहीं तेज हवाओं की वजह से लोगों को सिहरन महसूस होने लगी। मौसम विभाग ने अभी 2-3 दिन तक छुटपुट बारिश की संभावना जताई है। इस संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि MID द्वारा पहले ही जनपद में तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, जिसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पहले से ही सभी तहसीलों और गांवों में सतर्कता बढ़ा दिया गया था। किसी भी प्रकार के नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, ऐसा है कि जो मौसम विभाग द्वारा हम लोगों को IMD द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 11, 12, 13, 14 यानी अभी 13 और 14 तारीख को भी थोड़ा मौसम में इस तरह का बदलाव रहेगा। और 14 तारीख को जो IMD द्वारा जो दिया गया फोरकास्ट दिया गया है, उसके अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी और बारिश और वज्रपात आदि होने की भी संभावना है। इसके तहत हम लोगों ने सभी तहसीलों को अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है सभी तहसीलों को कि वे लगातार निगरानी बनाए रखें। आज जैसे एक वज्रपात के कारण एक तहसील में एक भैंस की मृत्यु हुई है, लेकिन अन्य जगहों पर जैसे गोला के क्षेत्र में भी कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कच्चे मकान और झोपड़ियाँ थी वहाँ पर, तो सबका असेसमेंट चल रहा है और उन्हें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशन भी प्राप्त है कि उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस बाकी अन्य जो भी इस तरह की अगर कोई और कोई कैजुअलिटीज वगैरह होती है, तो हमारी NDRF और SDRF की टीम भी जनपद गोरखपुर में मौजूद है, जिनका हम लोग सहयोग प्राप्त करेंगे।